हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी भी सपने ना देखे हों। तो मित्रों, आज के अंक में एक बार पुनः शुभ सपनों को लेकर के आपके बीच में मैं आया हूं। यदि आप अपने स्वप्न में गुरु को देखते हैं तो इसका फल बड़ा ही शुभ होता है। ठीक इसी प्रकार से अपने स्वप्न में राजा को देखना या फिर किसी ब्राह्मण देव को देखना या फिर आप अपने सपने में किसी देवता का दर्शन पाते हैं या फिर किसी सफेद वस्त्र को पहनी हुई किसी स्त्री को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि निकट भविष्य में कुछ शुभकारी घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि कोई भी आकर के आपको आशीर्वाद दे रहा हो या फिर आप अपने स्वप्न में कोई भी महल देखते हैं तो इसका भी अर्थ आपके लिए यही है कि निकट भविष्य में कुछ शुभकारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। मित्रों, यदि आप और हम अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि रक्त से स्नान कर रहे हैं या फिर घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहे हैं या फिर शेर पर सवारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। ऐसे सपनों की चर्चा किसी से भी भूल से नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह परम कल्याणकारी भविष्य की सूचना लेकर के आए हुए हैं। यदि हम शुभ स्वप्न की चर्चा किसी के साथ करते हैं तो यह निश्चित है कि उनके परिणाम में भिन्नता आ जाती है। यदा कदा यह भी संभव है कि उनका जो भी परिणाम है वह नष्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के शुभ स्वप्न को देखने के बाद उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करनी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपके सामने सपने की एक बृहद सीरीज लेकर के आए हैं। यदि आप अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि आपके सिर में छेद हो गया है तो यह भी स्वप्न शुभकारी परिणाम को देता है। यदि आप और हम अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि कोई भी आदमी मरा हुआ है या फिर खुद को मरा हुआ देखते हैं तो यह भी शुभ परिणाम को देने वाला सपना है। अपने सपने में पूजा की घंटी को सुनना या फिर वेदों के दिव्य मंत्रों को सुनना या फिर शंख की ध्वनि को सुनना या फिर नगाड़े की ध्वनि को सुनना यह सब लाभ देने वाले सपनों की श्रेणी में गिना जाता है। यदि आप और हम अपने स्वप्न में यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी रक्त पी रहा है तो निश्चित रूप से यह भी बड़ा ही सुंदर भविष्य को लेकर के आया हुआ सपना है। इनकी चर्चा कभी भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप अपने सपने में किसी बागीचे में जा रहे हो और कोई सर्प आपको काट खाए तो निश्चित ही शीघ्र विशेष धन का लाभ होगा। और यदि आप अपने सपने में देखते हैं कि सर्प अथवा बिच्छू आपको कहीं पर आपके पैर में काट लेता है और खून निकलने लगता है तो शीघ्र ही आपके प्यारे प्यारे दिन लौटकर वापस आने वाले हैं। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में नदी में तैरते हैं या फिर तालाब में तैरकर उस पार जाते हैं तो यह भी शुभत्व परिणाम को बढ़ाने वाला सपना है। अर्थात जीवन में शुभकारी घटनाओं के क्रम को बढ़ा देगा। मित्रों, यदि आप अपने स्वप्न में देखते हैं कि राजा प्रसन्न है, मंत्री प्रसन्न है, गौ माता प्रसन्न है और ब्राह्मण प्रसन्न है तो आप भी प्रसन्न हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में खुशियों का प्रवाह होने वाला है, प्रसन्नता का प्रवाह होने वाला है। यदि आप अपने स्वप्न में हरे भरे बगीचे और उन पर सुंदर सुंदर फूल या फल देखते हैं तो इसका अर्थ भी यह है कि जो भी अभी तक काम बिगड़े हुए थे वह काम बनने लगेंगे। स्वप्न को देखकर यदि पुनः आप सो जाते हैं तो शुभ परिणामों को देने वाले सपनों का फल स्वतः नष्ट हो जाता है। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। और हाँ, इतनी देर तक आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक ट्रीट तो बनती ही है। यदि आप बुरे सपनों को देखने के बाद सो जाते हैं तो उनका फल नष्ट हो जाता है। यदि बुरे सपनों को देखकर आप पुनः
अच्छे फल देने वाले सपनों को देखते हैं तो बुरे फल वाले सपने का परिणाम आपके जीवन में नहीं घटित होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे परिणाम को देने वाले स्वप्न का फल आपके जीवन में घटित होगा। किंतु यदि लगातार हम और आप अच्छे और बुरे सपने बारंबार देखते रहते हैं तो मित्रों, इस प्रकार के स्वप्न को स्वप्नमाला के नाम से जाना जाता है और इसका परिणाम जो सबसे लास्ट में सबसे अंत में जिस स्वप्न को हम देखते हैं यदि वह बुरा है तो बुरा परिणाम देने वाला होगा, और यदि वह शुभत्व को बढ़ाने वाला स्वप्न है तो अच्छा परिणाम देने वाला स्वप्न होगा। तो मित्रों, जो भी बुरे परिणाम देने वाले स्वप्न हैं उनके दोषों को दूर करने के लिए आपको प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 11 माला आपको जप करना है और सायंकाल सूर्यास्त होते होते किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन अवश्य करा देना है। महादेव के शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से बुरे प्रभाव देने वाले स्वप्नों का फल स्वतः नष्ट हो जाता है। लाइक शेयर कमेंट देना मत भूलना, और इनमें से यदि आपने किसी शुभ परिणाम को देने वाले सपनों को देखा है तो कमेंट में यस टाइप जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त विमल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।